कोकोनट पानाकोटा, और कोकोनट पानाकोटा में हम थोड़ा शपैंग डालेंगे करी लीफ गैस्ट्रिक से। सिंपल सी, बड़ी आसान सी रेसिपी है, जब चाहे आप घर पर बना सकते हो। हल्के से गर्म करना है हमें पैन में, थोड़ा सा क्रीम, थोड़ा सा मिल्क, और थोड़ा सा कोकोनट मिल्क। इस रेसिपी के लिए हम यूज कर रहे हैं डाबर होममेड कोकोनट मिल्क। इसमें मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा जिलेटिन, जो पाउडर फॉर्म में आता है, या आपको किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा। एकदम हल्के से गर्म करना है इसको, बॉईल नहीं करना है या पकाना नहीं है इसको बिल्कुल ही। गैस बंद कर दे रहा हूं मैं, अब हीट हो चुका है वो। अब हम एक बोल में लेंगे थोड़े से अंडे, एग का जो येलो रहता है वो योक्स डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, और उसमें मिला देंगे थोड़ी सी शक्कर। अब हम इसे विस्क कर देंगे, जो योक्स थे वो अब हल्के रंग के होते हैं एयर के इनकॉर्पोरेशन की वजह से। अब ये जो गरम किया हुआ जो मिक्स है, थोड़ी सी सेंस और सिंप्लिसिटी के साथ ब्लेंड कर देते हैं, ताकि कोई लंप्स ना रह जाए। एकदम इट्स ब्लेंडेड वेरी वेल। अब हमने इसको पकाना है। पकाने के लिए ऐसे छोटे बोल्स ले लीजिए, रामेकिन्स, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। रामेकिन्स बहुत ही अच्छे और स्टैंडर्ड डिशेज हैं, जो आपको बाज़ार में बहुत आसानी से मिल सकते हैं। चलिए हम डाल देते हैं इस मिक्सचर को इस बेकिंग डिश में, रामेकिन में। एकदम धीमी खुशबू आ रही है इसमें से, पानाकोटा जो बनने वाला है हमारा, उसमें वो कोकोनट की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो चलिए अब इसको हम बेक करने के लिए डाल देते हैं। बीस मिनट में तैयार हो जाएगा हमारा पानाकोटा, और तब तक हम बना देते हैं इसका शपैंग वाला, जो मैंने आपको बताया था, करी लीफ गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक इज बेसिकली अ सॉस जो बहुत ही मीठा और खट्टा रहता है। खट्टापन उसमें आता है वाइट वाइन की वजह से, और मीठा शुगर से बनता है, और उसमें थोड़े शपैंग के लिए हम डालेंगे उसमें करी पत्ता। करी पत्ता एक आध पत्ता काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि बहुत स्ट्रांग फ्लेवर है इसका। इस करी पत्ते को हम करेंगे बहुत ही फाइन कटिंग कर देंगे इसकी। अब मैं इस पैन में डाल रहा हूं व्हाइट वाइन। व्हाइट वाइन अगर आप यूज करना ना चाहो तो आप थोड़ा सा लेमन जूस और पानी लेके यही सॉस बना सकते हैं। इसमें मैंने शक्कर डाल दी है अब, और इसमें मैं डाल रहा हूँ ये बारीक कटे हुए करी पत्ता के लीव्स। इसको हमें एक 3-4 मिनट के लिए पकाना है, जब तक कि ये एकदम सिरपी और थिक ना बन जाए। यही तो मैं करता रहता हूँ, अपना रेगुलर सा नॉर्मल सा रेसिपी लेके उसमें थोड़ा सा कुछ ऐड कर दिया, जिससे वो रेसिपी के पूरे डायमेंशंस चेंज हो जाए। गैस्ट्रिक एक ऐसा बेस है जिसमें आप जो चाहे फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। ये बन चुका है हमारा गैस्ट्रिक, करी लीफ गैस्ट्रिक तैयार है। इस रेसिपी को पानाकोटा पकाने के बाद उसको आपने कम से कम 2 घंटों के लिए फ्रिज में रख के ठंडा करना है। चलिए मैंने एक पोर्शन ऑलरेडी बना के रखा है प्लेटिंग ईज आउट करने के लिए, हम प्लेटिंग कर देते हैं इसकी।
ये पाना कोत्ता यानी पका हुआ क्रीम तैयार है, जो हम इस प्लेट में उतार देंगे। इसको थोड़ी सी एक टूथपिक लेनी है आपको, और टूथपिक की मदद से उसका साइड्स लूज करना है ऐसे, और इसको हल्के से पलटी कर देना है इस प्लेट में। वाओ, अब हम इसमें डालेंगे ये करी लीफ गैस्ट्रिक, थोड़ा सा हल्का सा गैस्ट्रिक डालना है, और इसको अब हम गार्निश कर देते हैं थोड़े से करी पत्ते से। कोकोनट पाना कोत्ता विद करी लीफ गैस्ट्रिक बनाने के लिए एक पैन में 50 ml दूध, 100 ml फ्रेश क्रीम और 50 ml डाबर होममेड कोकोनट मिल्क डालकर लगभग 2 मिनट के लिए गर्म कर लें। एक बोल में 2 एग योक्स और 30 ग्राम चीनी को विस्क करके इसे दूध के मिक्सचर में मिला लें। इस मिक्सचर को छानकर रामेकिन बोल में निकाल लें और 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें। करी लीफ गैस्ट्रिक बनाने के लिए 60 ml व्हाइट वाइन और 20 ग्राम कैस्टर शुगर को गाढ़ा होने तक एक पैन में रिड्यूस कर लें। इसमें श्रेड किए हुए 2 करी लीव्स डालकर पकाएं। गैस्ट्रिक तैयार है। पाना कोत्ता को प्लेट में डिमोल्ड कर प्लेट में निकाल लें। इसके आसपास गैस्ट्रिक पोर करें और एक करी लीव से गार्निश करके सर्व करें। तो कैसी लगी आपको ये मिठास और शपैंग से भरा हुआ एपिसोड?